एवरीवन, मैं हूं शबनम और आपका मेरे चैनल जगजायका में इस्तकबाल है। आज मैं आपके लाई हूं आलू के लच्छेदार पकोड़े बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत टेस्टी होते हैं और एकदम क्रिस्पी होते हैं। तो चलिए इसके लिए हम देख लेते हैं हमें किसके सामान की जरूरत है। यह मैंने 5 आलू लिए हैं जो कि मीडियम साइज के, जिसे मैंने पील करके पानी के अंदर रख दिया है क्योंकि आलू बहुत जल्दी काले पड़ जाते हैं। अब हम इसके क्रिस्पी पकोड़े बना रहे हैं। हम आलू को काट के नहीं, आलू को कद्दूकस करके पकोड़े बनाएंगे। यहाँ मैंने ग्रेटर की मोटी वाली साइड ली है जिससे मैं आलू के लच्छे निकाल लूंगी। यहाँ हमें आलू को खड़ा रखना है, हमें इसे कद्दूकस करना है, ग्रेट करना है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ये देखिए मैंने एक आलू ग्रेट कर लिया है, कितने मोटे लच्छे निकले हैं। अगर हम ज्यादा बारीक करेंगे तो वो एकदम हलवे की तरह बन जाते हैं जब हम पकोड़े बनाते हैं। इसको हम ग्रेट करने के बाद डायरेक्ट पानी में रख देंगे, नहीं तो ये बहुत जल्दी काले पड़ जाएंगे। यहाँ देखिए मैंने इसको पानी में रख दिया है ग्रेट करके। अब हम सारे आलू को ऐसे ही ग्रेट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने सारे आलू को कद्दूकस कर लिया, ग्रेट कर लिया है मोटी वाली साइड से और मैंने डायरेक्टली इसको पानी में डाल दिया उसके बाद, ताकि ये काले नहीं पड़े। अब हमें इसका सारा स्टार्च निकालना है। हमें इसे दो से तीन पाए तक अच्छे से धोना है ताकि इसका सारा स्टार्च निकल जाए। देखिए पानी हमारा काला हो चुका है। अब हम इसे तीन पानी से और अच्छे से वॉश कर लेते हैं। ये देखिए हमने तीन पानी से आलू को अच्छी तरह वॉश कर लिया है, एकदम हमारे लच्छे तैयार है। अब हम एक दूसरा बाउल लेते हैं। अब हमने यहाँ दूसरा बाउल ले लिया है जिसमें मैं यहाँ आलू का सारा पानी निकाल लेती हूँ ताकि इसमें पानी ना रहे। चलिए अब इसमें हम अपने कुछ मसाले डाल देते हैं। यहाँ मैंने इसमें 1/3 टेबल स्पून हल्दी ली है, वो डाल देती हूँ। चलिए अब मैंने 7 से 8 मिर्ची को बारीक काट लिए हैं, वो इसमें डाल देती हूँ। आप इसके लिए जगह थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। यहाँ धनिया मैंने लिया है एक छोटी कटोरी, वो भी इसमें डाल देती हूँ। धनिया का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हम 3 चम्मच बेसन मिक्स करते हैं। बेसन हमें ज्यादा मिक्स नहीं करना है क्योंकि पकौड़े जो है वो हमें क्रिस्पी चाहिए। और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिक्स कर देती हूँ। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं हो तो आप कॉर्न स्टार्च या चावल का आटा या अरारोट पाउडर कुछ भी मिक्स कर सकते हैं। यहाँ मैंने 3 चम्मच बेसन और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर यूज किया है। चलिए इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं। यहाँ मैंने 3/4 टेबल स्पून नमक लिया है, आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। यहाँ आप चाहें तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने हरी मिर्च की क्वांटिटी ज्यादा रखी है इसलिए मैंने लाल मिर्च को स्किप कर दिया है। चलिए अब इसको हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए हमने अच्छे से सारे मसाले मिक्स कर दिए हैं। इसमें देखिए मैंने पानी नहीं डाला है, लेकिन तब भी थोड़ा सा पानी पानी लग रहा है। एक पकोड़े की शेप देकर आपको इसको फ्राई कर देना है। अगर आपको लगे कि इसमें आपकी बाइंडिंग कम है तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन और मिक्स कर सकते हैं। चलिए यहाँ मैंने तेल गर्म होने रख दिया है, तेल हमारा गर्म भी हो चुका है। अब इसमें हम अपने पकौड़े फ्राई कर लेते हैं। चलिए यहाँ मैंने एक बैच में पकोड़े तैयार होने के लिए रख दिए हैं। गैस की फ्लेम भी मैंने यहाँ मीडियम कर दी है ताकि हमारे पकोड़े जो है वो एकदम क्रिस्प बने। अब इसके हम साइड चेंज कर देते हैं। एक तरफ से मेरे जो पकोड़े हैं वो गोल्डन हो चुके हैं। उलटते पुलटते हम इसे दोनों साइड से गोल्डन कर लेते हैं। आपको फ्लेम का खास ध्यान रखना है कि जब आप पकोड़े डालें आपका जो ऑयल है अच्छे से गर्म हो, वरना जो आपके पकोड़े होंगे वो तेल अब्सॉर्ब कर लेते हैं। ये देखिए हमारे जो पकोड़े हैं वो दोनों साइड से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं, इसको हमने प्लेट में निकाल लेते हैं और जो बाकी के बेसन बचा है उसके भी पकौड़े तैयार कर लेते हैं। चलिए देखिए दूसरे बैच के पकौड़े भी हमारे दोनों साइड से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, इसको भी हम निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारे सारे पकोड़े तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे आलू के क्रिस्पी पकोड़े एकदम तैयार हैं। आप देख सकते हैं ये कितने क्रिस्पी हैं, आपको आवाज से पता लग रहा होगा। चलिए जब भी आपको कुछ झटपट और कुछ चटपटा खाने का मन करे तो आप ये पकोड़े जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसे मैंने सर्व किए हैं ग्रीन चटनी के साथ और टोमेटो केचप के साथ। आप जिसके साथ भी खाएंगे ये बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका। आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिए और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और आप जब इसे ट्राई कीजिएगा तब भी अपने कमेंट जरूर मेंशन किया कीजिए। आपके जो कमेंट्स होते हैं वो आपका प्यार होता है, मेरे लिए एक मोटिवेशन होता है। चलिए जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।